झारखंड में गेहूं की खेती अधिक से अधिक कैसे करें, इसके लिए आप तो हमेशा एक ही तरीके से खेती करते ही हैं, लेकिन आज इसके तकनीक के नए नए ढंग हम आपको बताएंगे। इसका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसका बीज उपचार करें। बीज उपचार इसमें दो तीन इसमें ये लगता है मटेरियल, जिसमें कि आप गौमूत्र इस्तेमाल करते हैं, वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, वेविस्टिन इस्तेमाल करते हैं। तो पहले इसका पूरा विस्तृत ये तकनीक जो है वो बता देते हैं कि 10 ग्राम बीज लेंगे, उसको 20 लीटर पानी में गर्म करेंगे, उसको टेम्परेचर जो है 60 डिग्री तक ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद जब ठंडा हो जाए तो उसमें 5 kg वर्मी कंपोस्ट या 20 kg FYM मिला करके, और उसके बाद फिर 5 kg गुड़ उसमें डाल करके और आधा 8 घंटा उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद 8 घंटा के बाद निकाल करके और उसमें फिर वेविस्टिन 20 ग्राम, 10 kg सीड है तो 20 ग्राम वेविस्टिन मिला करके, और उसको 12 घंटा हम लोग कोई अच्छे साफ कपड़े में या फिर बोरा में रख करके और 12 घंटे रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग बीज की बुआई 8 इंच कतार से कतार और पौधा से पौधा भी 8 इंच दूरी पर दो दो बीज ये डाल करके बुआई करते हैं। अच्छा, बुआई करते वक्त हमारे किसान भाई किन किन बातों पर भी ध्यान देंगे? बुआई करते समय मुख्य रूप से ध्यान देना है कि खेत में नमी अवश्य हो, जिससे कि अंकुरण अच्छा हो। नमी नहीं रहने से अंकुरण में थोड़ा कठिनाई होती है। इसके अलावा डॉक्टर साहब और कौन सी तकनीक है जिसका आप जानकारी हमारे किसान भाइयों को देना चाहते हैं? इसके अलावा दो और तकनीक है। एक तो है कि जीरो टिलेज मशीन से, शून्य जुताई मशीन से गेहूं की बुआई, ये खास करके उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहाँ की धान कटने के बाद बहुत समय नहीं मिलता है, तो उसमें तुरंत गेहूं बुआई का जीरो टिलेज मशीन है होता है, उस मशीन के द्वारा किसान भाई गेहूं की बुआई कर सकते हैं। उसमें खाद भी उसके साथ साथ ही गिरता है और इसमें किसान भाई को समय की बचत होती है, एक सिंचाई की बचत होती है। अगर धान कटने के बाद तुरंत अगर बीज की बुआई हो जाए तो आपका उसी जो नमी जो संरक्षित है खेत में जमीन में, उसी नमी से आपका जो गेहूं की अंकुरण बहुत अच्छा होता है और फसल भी अच्छा होता है, उसमें उत्पादन में भी कमी नहीं देखा गया। और दूसरा फायदा इससे ये होता है कि जो खरपतवार का समस्या है, बहुत ही कम खरपतवार इसमें निकल पाता है। जुताई के चलते ज़्यादा खरपतवार का संख्या बढ़ जाता है उसके, लेकिन ये जो जीरो टिलेज मशीन से जुताई नहीं, शून्य जुताई होने के कारण या कम जुताई होने के कारण खरपतवार की संख्या में भी कमी आती है। अच्छा, एक और तकनीक जो किसान भाई को बताना चाहते हैं कि जहाँ भी पानी का जमाव है या सूख नहीं पाता है जमीन या नहीं जुताई कर पाते हैं, उन क्षेत्रों में गेहूं की बुआई सीधा ब्रॉडकास्टेड मेथड से ही करें, छीट करके बुआई जहां नमी है उस उन खेतों में, अगर जुताई जहां संभव नहीं है तो ये इसका भी अच्छा परिणाम मिला है ये अनुसंधान के दौरान कि जहां पर जुताई संभव नहीं है वहां पर आप सतही बुआई करके आप अच्छा उत्पादन गेहूं का कर सकते हैं।